इंदौर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां चोरों ने एक फर्नीचर दुकान को अपना निशाना बनाया और जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां से नकदी सहित टैबलेट और चार्जर चुराकर फरार हो गए। मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां LIG रिंग रोड स्थित फर्नीचर की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखा नकदी रुपया, टैबलेट और उसका चार्जर लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यहाँ पे क्या, वो चोर घुस गया था? तो केस पूछने लगी आपको? मैं यहाँ से 9 बजे रात को बंद करके गया, सुबह 11 बजे दुकान खोली तो दुकान को पूरा सामान बिखरा पड़ा था। हमारे ड्रॉज वगैरह ये सब टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। क्या ले गया यहाँ से? 50,000 कैश ले गया, एक सैमसंग का टेबलेट ले गया और चार्जर वगैरह केबल वगैरह ले गया। किधर से आया था? पीछे से आया था, जंगले में से। जानते क्या नजर आ रहा है? CCTV में एक लड़का आया था, वो साइड में से चढ़ा है और इसमें से जंगले में और घुस गया अंदर और उसमें से उसी में से बाहर गया है वो। FIR थाने पे? हाँ, करवा दी ना, विजयनगर थाने पे। चोरी की घटना में एक चोर CCTV में भी कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। इंदौर से क्राइम भाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।